आई एम डॉक्टर नेहा जोशी एंड वेलकम ऑल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि आपने स्किन को गोरा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपका कलर थोड़ा सा सांवला है या फिर आपके चेहरे पे छाइयां आ गई हैं, तो आप इसे किस तरीके से वापस अपनी नेचुरल ग्लो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप पार्लर के पास जाते हैं तो वो आपको 1.5-2 हज़ार का एक पूरा फेशियल वाला पैकेज पकड़ा देते हैं, जिसमें करते वही चीज है जो मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगी। तो अगर आपको 1.5 हज़ार के पैकेज में वो करते क्या है, उसका सही प्रोसीजर जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरीके की जानकारी हमेशा बार बार मिलती रहेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फेशियल किस तरीके से किया जाता है, इसका सही प्रोसीजर क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज है, आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, ठीक है। सिद्धांत बहुत ही सिंपल सा है। जैसे अगर आप कपड़े धोने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पहले अपने कपड़ों को गर्म पानी के साथ में एरियल के साथ थोड़ा सा देर गला के रखते हैं। एरियल नहीं है तो आप निर्वाण डाल सकते हैं, सिंपल सी चीज है, मैं बोलती हूँ, लेकिन करते तो आप यही है ना, आप उसको पानी में कुछ देर के लिए गला के रखते हैं, जिससे क्या होता है उसकी गंदगी उससे अलग हो जाती है। यही चीज आपको अपनी स्किन में करनी है। स्किन के ऊपर हमारी एक डेड स्किन की लेयर होती है और उसी में हमारी इम्प्योरिटीज रहती हैं। आपको पहले इस इम्प्योरिटीज को फुलाना है, डेड स्किन को मॉइस्चराइज करना है, जिससे वो फ्रेश स्किन से अलग हो जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉइस्चराइज करने के लिए आप घी का प्रयोग करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप घी का अमाउंट कम रखें, अगर ड्राई स्किन है तो आप आधा चम्मच तक घी लें। जितना अमाउंट में आपने घी लिया है उतने अमाउंट में उसमें पानी मिला दें। आपको हथेली पे लेना है, इसमें आप थोड़ा सा घी लें, इसी के अंदर पानी लें, इसको अच्छे से मिक्स कर दें, जैसे लोग चूना मिक्स करते हैं ना, इस तरीके से इसको मिक्स करते हैं। उसके बाद पूरे चेहरे पे इसको आपको लगा लेना है, मसाज करनी है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक मसाज करें। उसके बाद चेहरे को गीले कपड़े से थोड़ी देर के लिए ढक के रखें। आप पार्लर में जाएंगे वो भी यही काम करते हैं, आपके चेहरे पे लगा देते हैं, उसके बाद आपको गीला कपड़ा डाल देते हैं आपके सिर के ऊपर, आपको लगता है कि बहुत कुछ स्पेशल चीज कर रहा है, वो कुछ नहीं, वो यही चीज होती है, ठीक है। आपको ये करना है, इससे क्या होगा, आपकी जो ऊपर की स्किन है, डेड स्किन है, वो फूल जाएगी और नमी है वो अलग हो जाएगी, जो टॉक्सिस है या जो गंदगी है वो अलग हो जाएगी। दूसरी चीज आती है, अब उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको स्क्रबिंग करनी है। आपके जो गंदगी थी वो फूल चुकी है, आपको क्या करना है, अब इसको हटाना है, जिससे डेड लेयर है वो पूरी तरीके से हट जाए। उसके लिए आप क्या करोगे, डेड लेयर हटाने के लिए मैं स्क्रब, जो नेचुरल स्क्रब है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है मसूर की दाल। आप मसूर की दाल दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप खड़ी मसूर की दाल लें, इसे दूध में आप उसे फुला दें, जब वो 15 से 20 मिनट के बाद फूल जाए तब आप उसको पीस के चेहरे पर लेप लगाएं। अगर ये करना आपके लिए डिफिकल्ट होता है तो आप क्या करें, मसूर की दाल को बारीक पीस के रख लें घर में, नॉर्मल एक डिब्बी में, छोटे में आप इसको पीस कर रख लें। आधा चम्मच मसूर की दाल का ये पाउडर दूध के साथ में थोड़ी देर फुलाएं 2 से 3 मिनट, उसके बाद इसको चेहरे पर लगाना है, और 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पे लगा रहने दें, उसके बाद सादे पानी से धो दें। अगर मसूर की दाल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो दूसरा प्रोडक्ट जो हमेशा ही आपके घर में अवेलेबल होता है वो है बेसन। ये याद रखें, लोग बेसन को चेहरे को ग्लो लाने के लिए करते हैं, पर हर चीज अलग होती है, ग्लो लाने वाले प्रोडक्ट अलग होते हैं, बेसन जो है वो स्क्रब करता है, स्किन को स्क्रबिंग करने का काम करता है, वो फेस पैक नहीं है, फेस मास्क नहीं है, वो स्क्रब है। आप क्या करें, बेसन के साथ कच्चा दूध ऐड कर सकती है या फिर टमाटर का रस ऐड कर सकती है, कहीं कुछ नहीं है तो सिंपल पानी के साथ इसको फुला लें और इसे चेहरे पे लगाना है। 10 से 5 मिनट तक इसको आप लगा रहने दें, जितने आपकी सहन कर सकती है, जितनी आपकी इच्छा है, तो मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगाना है। उसके बाद सादे पानी से इसे धो दें। तीसरी चीज जो आप इसमें कर सकते हैं वो है हल्दी और उसके साथ में खाने का सोडा। खाने का जो सोडा होता है ये बहुत ही अच्छा स्क्रब होता है, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही इफेक्टिव स्क्रब है। आप हल्दी लें, उसके साथ में एक चुटकी से ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आपकी स्किन बिल्कुल फट जाएगी। एक चुटकी तक खाने का सोडा लें, उसको अच्छे से मिक्स करके आप फूल जाए, उसके बाद आपको उसे चेहरे पर लगाना है। 10 से 5 मिनट के बाद आप इसको धो दें, सादे पानी के साथ धोना है, आपकी पूरी ऊपर की डेड स्किन है वो निकल जाएगी, चेहरे पर आपको ग्लो आएगा। अगली चीज जो आप इसमें कर सकते हैं वो है चावल का आटा। चावल का आटा बहुत सारे लोग प्रयोग नहीं करते, बालों के लिए कुछ लोग इस प्रयोग करते हैं, लेकिन स्किन के लिए बहुत ही कम लोग प्रयोग करते हैं, पर चावल का आटा भी बहुत ही अच्छा स्क्रब है। आप चावल के आटे को कच्चे दूध के साथ में थोड़ी देर भिगा दें, उसके बाद चेहरे पे इसका लेप लगाना है। आप चाहें तो बेसन और चावल का आटा दोनों आपस में मिक्स भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है तो आप ऐसा ना करें, फिर आप इसको अलग अलग ही प्रयोग करें, अदरवाइज ज्यादा ऑयल दोनों का मिक्स करने से आपकी स्किन ज्यादा और ज्यादा ड्राई हो जाएगी। तो क्या करें, चावल का आटा लें, उसको थोड़े से पानी में या कच्चे दूध में आप उसको थोड़ा सा भिगो दें 10-5 मिनट के लिए, उसके बाद चेहरे पर आपको इसका लेप लगाना है।
एक बात याद रखिएगा, जितने भी स्क्रब मैंने आपको बताए हैं इनको सादे पानी से धोना होता है और ज्यादा देर नहीं सूखने देना चाहिए। मतलब ये स्किन पे थोड़े थोड़े गीले रह जाएं उससे पहले ही आप इसको हटा दें। तो मैक्सिममली 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट चेहरे पे लगा रहे थे, उसके बाद सादे पानी से धो दें। इससे क्या होगा कि जो आपकी स्किन में जो डेड स्किन की लेयर ऊपर जम जाती है, ये पूरी तरीके से निकल जाएगी। जब एक डेड स्किन निकल गई, जैसे अपन कपड़े धोते हैं तो पहले अपन ने निरमा में, अपन सर्फ एक्सल में, एरियल में गलाया, उसके बाद कपड़े धोए, उसके बाद क्या करते हैं, कपड़ों में कलर को दोबारा वापस आ जाए उसके लिए आप उसको रिवाइव में डुबाते हैं, रिजॉइन में डुबाते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपकी अंदर की फ्रेश स्किन बची हुई है उसको वापस आपको रिजुवेनेट करना है, वापस उसमें मॉइस्चराइजर लाना है, वापस उसे ग्लो बनाना है, क्योंकि ऊपर की स्किन निकल चुकी है, अब फ्रेश स्किन बची है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक सिंपल सी चीज है जो आप करते आए हैं, वो आपको फिर से हल्दी का प्रयोग करना है। अंतर इतना है, वहां आपने हल्दी खाने के सोडे के साथ प्रयोग करी थी, आप इस हल्दी को इस बार सिंपली सिर्फ हल्दी का प्रयोग करें और कुछ नहीं लें, या चाहे तो इसके साथ नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। हल्दी और नींबू का रस मिक्सचर होने के बाद में चेहरे को ग्लो करने का काम करता है, आपके स्किन कलर में हल्का पीलापन आ जाता है जो नेचुरल बहुत दिनों तक बना भी रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई कलर है जो थोड़ी देर के बाद चला जाएगा, वो हल्दी वहां पर लगी रहती है जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करती है, आपको कलर आपका ज्यादा फ्रेश लगता है। इस तरीके से आप हल्दी का प्रयोग करें, ठीक है। आपने इसके स्टेप्स समझ लिए, सबसे पहले आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना है, मॉइस्चराइज हो जाएगी उसके बाद आपको स्किन को स्क्रब करना है, स्क्रब करने के बाद जो नीचे की फ्रेश स्किन आएगी उसको दोबारा मॉइस्चराइज करना है ताकि वो दोबारा रिजुवेनेट हो जाए। ये 3 प्रोसीजर आपको करते हैं फेशियल में, आपका यही तरीके से किया जाता है फेशियल में, दुनिया भर के जो पैक होते हैं वो इसी तरीके के पैक होते हैं, उनका स्टेप यही होता है। तो ये आप घर में करें, आपका 20 से 25 मिनट का प्रोसीजर है ये, हफ्ते में एक बार एटलीस्ट प्रयोग करें, बाकी दिन में आप कोई भी अपना जो बाकी प्रोडक्ट है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन इस तरीके का प्रयोग करें, आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी, आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, झाइयां पिंपल्स वगैरह है, वो चीजों में आपको निजात मिलेगा, ठीक है। अगर आज के लिए इतना ही, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, गुड बाय।